Hello viewers, I hope you all are fine. First of all, thanks to all my friends who are watching me and who subscribe my channel. So last video में हम लोगों ने बात की थी BFS की और DFS की, और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे A star algorithm की. तो इसका कोड पहले ओपन कर लेती हैं, और मैंने इस ग्राफ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है. मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूँ. अगर इसके अलावा कोई ग्राफ आपको इम्प्लीमेंट करना पड़े तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो सबसे पहले वही काम कि आपने जितने भी नोड्स जो आपको सर्कल के अंदर ब्लू सर्कल में नज़र आ रहे हैं ए से जी तक, वो सब आपने लेफ्ट साइड पे लिख देने हैं. जैसे ए लिखा है, बी लिखा है, सी डी ई एफ और लास्ट पे जी. ठीक है, अब लोग बात कर लेते हैं ए की. तो ए से आगे फर्दर कौन कौन से नोड्स जा रहे हैं वो आपने लिखे. जैसे ए की अगर बात करें हैं, इस ए पे आएंगे आप. ठीक है, ये वाला ए लिख लिया. उसके बाद आपने लिखना है कि ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है. ओके, ठीक है, ए से बी जा रहा है, आपने कॉमा में लिखना है. और ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 9. ठीक हो गया, तो ये 9 आपने उससे पहले लिख देना है. उसके बाद आपने बात करेंगे ए से सी, उसका डिस्टेंस कितना है, 4. तो आप पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ए से सी. उसके बाद आप बात करेंगे कि ए से डी जा रहा है, उसका डिस्टेंस कितना है, 7. ये अभी जो आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है उसको आप इग्नोर करें, वो आपको बताता हूँ वो चीज़ क्या है. ए स्टार के अंदर ये चीज़ आती है, लेकिन ये क्या है इसको बताता हूँ आपको. तो आपने लेकिन 7 लिख लिया और ए से डी लिख लिया. इसी तरह अगर जेड की बात करूँ तो जेड पे, जेड से आगे फर्दर ई पे जा रहा है और जेड से एफ पे जा रहा है. जेड से ई पे जो आएगा वो है 5 वैल्यू और जेड से एफ पे 9 वैल्यू. तो इसी तरह आपने अपना ग्राफ इम्प्लीमेंट कर लेना है. और लास्ट में जो बाकी बच गए ऑरेंज कलर वाले वेट्स, इसको बोलते हैं वेट्स, कि मतलब कि हर नोड के अपने इटसेल्फ वेट हैं ए स्टार के अंदर. तो ये आपने यहाँ पर लिख देना है. जैसे ए का 21 है, बी का कितना है, 14, ई का 5 है, और इसी के साथ साथ जेड का क्या है, जेड का कुछ नहीं है, तो उसका मतलब वो 0 होगा. ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे आके लास्ट के ऊपर आपने यहाँ पे अपना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बता देना. मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ए है और लास्ट पॉइंट जेड है. तो ये आपको शॉर्ट पाथ बता देगा. ए स्टार का बेसिकली काम ही यही होता है. इसको मैं अगर रन करूँ तो ये देखें, ए से जी की साइड ट्रेवर्सल आ गई है कि ये डिस्टेंस है, ये सब कुछ नॉड्स वगैरह और आपका शॉर्टकट और सारे ट्रांसफ़र हो के, तो ये एक बात उसने बता दिया, ए सी बी डी ई एफ जी. तो ये आपका ए स्टार भी इम्प्लीमेंट हो गया. गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.